आखिर आखिरकार चौथी मरतबा ये हार्दिक की जो है ये क्या हो रहा है उसके साथ ही अभी क्या हुआ? हार्दिक ने कमेटी खा ली उसकी अम्मी ने तुम्हारी, क्या मसला हो गया? हार्दिक का मतलब क्या कर दिया? हार्दिक धोखा दे दिया, मतलब कुछ कह दिया था, वादा करके वफा नहीं किया उसने, किया क्या तुम्हारे साथ? चार सवाल तुमने काश कुछ कर देता हार्दिक से करवाओगी? लानत है, ग्रेट प्लेयर मर गए बाकी लोग, फेमस ग्रेट प्लेयर, किया क्या उसने सिवाय अदाकार है वो, पट्टियां बांध के आ जाता है वेंडन की तरह, अनफिट रहता है वो, साल में 8 महीने अनफिट रहता है वो, ये बता दूं मैं तुम्हें। अच्छा और बुरा टाइम चलता रहता है हर प्लेयर का, ऐसा तो नहीं? नहीं मखाल में अच्छे और बुरे की बात नहीं है, उनके कॉलर उनके शोल्डर ज्यादा ऊंचे हुए हैं, वजह ये है कि देखिए हुआ ये कि आज से 2 साल पहले जब विराट कोहली की कप्तानी का इशू आया और नया कप्तान बनाने की बात की गई तो इन शॉर्ट फॉर्मेट में इनका नाम भी आ रहा था, तो इनको लगा कि यार इन्होंने क्रिकेट तो इतनी अब खेली नहीं है, ठीक है ज्यादातर ये इंजर्ड रहे, इंडिया की कप्तानी 150 करोड़ लोगों का कप्तान बनना बड़ा एजाज होता है भाई, तो वो कप्तानी की दौड़ में लग गया। अच्छा फिर उनको छोटी मोटी सीरीज कहीं स्कॉटलैंड में मिल गई, आयरलैंड में मिल गई, वहाँ उन्होंने हरा भी दिया, मगर जब ये वेस्ट इंडीज गए आज से 1.5 साल पहले टीम के कप्तान बन के T20 वहाँ ये सीरीज हार गए, और जब वो सीरीज हारे ना तो हारने के बाद तो ये होता है ना कि कप्तान ये बोलता है कि यार हमने कोशिश करी हार गए, ये कह रहे हैं कि कभी कभी हारना अच्छा होता है, तो ये जो बात थी ना वो शायद जिनसे हारा ना उन लड़कों को वेस्ट इंडीज में जहाँ वो रहते थे उनके पड़ोसी भी नहीं पहचानते थे कि क्रिकेट खेलते उनको, मैं यही कह रहा हूँ ना कि टीम की छतों में रहने वाले इंडिया से ही कोई माइग्रेट की हुई फैमिली का बच्चा वो स्पिनर इन्हें खा गया, मतलब मोती चरिया ये तो नाम थे उनके प्लेयर, अंदाजा लगाइए किसी भी उस वक्त के प्लेयर से आप पूछेंगे ना कहाँ रहते हो, बोले टीम की छत में रहता हूँ, सबके इंटरव्यू यही है, हमारी टीम की जो छतें थी उसमें सुराख थे, बारिश होती थी तो पानी, डोमिनिका जाके उनकी स्टोरी है, हम स्विट्जरलैंड आ गए, वो वाले बच्चे थे कि हम तो स्विट्जरलैंड आ गए भाई, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा स्विट्जरलैंड जटलैंड है, इसी तरह उनका डोमिनिका आपका होगा, आप ही से सुना है, उसके बाद हार्दिक पांड्या पनप नहीं पाए, पनपना कहते हैं ना, पनप नहीं पाए वो, अपने आप को उस अंदाज से पेश नहीं कर पाए, कई मौके उनको मिले उसके बाद से इंडिया खेले भी मगर उस तरह की पजीराई उनको मिली नहीं, शायद परफॉर्मेंस नहीं आई, फिर ये इंजर्ड हो गए, फिर वर्ल्ड कप में इनकी क्या कहते हैं वो कौन टखना नी इंजरी नहीं, वो टखना से वो घूम गए थे पांव पे, एंकल ट्विस्ट कर गया था, हील पहन के खेल रहा था, क्या नाजुक है ये, कोई बेबी है, एंकल ट्विस्ट कर गया वर्ल्ड कप से बाहर, वर्ल्ड कप बाहर इनिशियल खबर है ये एक मैच से बाहर होगा, अच्छा एंकल ट्विस्ट कर गया और बैग बैठ गए, बट इट्स अ जेन्युइन, आपका हो जाता है आपसे नहीं होता, हमारा भी हो जाता है, लेकिन इतनी कमर क्यों बैठती है इसकी, ऐसी कमर कहाँ लगती है इसकी, मतलब जो हर वक्त बैठ जाती है, 4 इंजरी कमर, करोड़ों रुपए का खिलाड़ी उसको एंकल पे खर्चा नहीं किया उसके, सही बात है, खर्चा करेंगे लेकिन यहाँ पे करोड़ों की और दुकान पकोड़ों की, आजकल तुम्हें अवतार की वजह से पकोड़े तो याद हो, बहुत याद है।